हाँ जी, हमारा पहला जो मॉक टेस्ट हुआ है जिसका तुम लोगों ने, कई लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर कि तुम्हें दोबारा से एक बार समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है बहुत लोगों को। सुनो कुशल, तुम आगे जाओ। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया है। पहला बोल रहा था मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है या बोथ है, तो इसका आंसर क्या है? बोथ। बहुत लोगों ने गलत किया है ये। हाँ जी, बहुत लोगों ने गलत किया है। तो समझ लो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी था और एज एन आर्ट भी था, तो हम क्या बोलते हैं, ये बोथ है, ये सिर्फ साइंस या सिर्फ आर्ट नहीं है। क्योंकि क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कॉलेजेस के अंदर, और साथ साथ मैनेजमेंट आदमी बिना पढ़ा लिखा भी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो मैनेजमेंट की बात आई, अगर क्वेश्चन आता तुम्हारे इकोनॉमिक्स में आ जाए, इकोनॉमिक्स आर्ट और साइंस, अगेन बोथ, तुम्हारे मैथ में भी अगर क्वेश्चन आ गया ना, आर्ट या साइंस, बोथ, आंसर बोथ ही होगा इसका। हर एजुकेशन जो हम ले रहे होते हैं वो साइंस होती है, इसलिए एजुकेशन ले रहे होते हैं, और जब उसको यूज करते हैं तो उसे आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट और साइंस ये क्या होते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर बोथ आंसर में होता नहीं आता, वो दो नहीं, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है आर्ट साइंस का, प्रोफेशन आता ही नहीं, और अगर आता भी तो नीचे लिखा होता ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव दे देते तुम। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर टू बोलो बेटा। जैसे बैठे हो तो शांति से बैठना है ना। हाँ बोलो। हाँ जी, एक मिनट, पहले आओ, पहले यहाँ पर, यहाँ उन्होंने बोला हुआ है कॉन्सेप्ट बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। और वैसे तो इस क्वेश्चन को पढ़कर, मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन की बात की है, क्वेश्चन को पढ़कर तो पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस पॉइंट से बताओ, ऊपर से नहीं नीचे से, टू रिकॉन्साइल दी डिफरेंसेज इन अप्रोच इंटरेस्ट एंड ओपिनियन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल के आ रहा है अलग अलग, हाँ भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको रिकॉन्साइल करना मतलब उनको कलेक्टिव करना। लेकिन तब भी हम और हिंट लेंगे ऊपर से, बोलो बेटा। अब यहां पर आ रहा है कि ओन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, बोलो आगे। तो इसने यहाँ बोला क्या था कि हमें पहचानना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो ये है कोऑर्डिनेशन। हाँ भाई, ये भी कई लोगों का गलत था। अब ये बता दो कि कोऑर्डिनेशन में किस किस को प्रॉब्लम किस बात की है। हाँ भाई, किसी को इस बात में कंफ्यूजन की कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, क्यों है, मतलब वो क्लियर है, किस किस का गलत है ये, चलो तो मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हाँ भाई, प्रिंसिपल ऑफ जो पहला क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल ओनली इन, दूसरा पॉइंट, थर्ड वन, हाँ भाई, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसने बोला है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, सिर्फ ये लार्ज कंपनी में नहीं, ये हर तरह की कंपनी के अंदर लगता है, और बाकी तीनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये इसकी फीचर्स हैं। इसमें कोई डाउट किसी को भाई? बेटा तुमने टेस्ट, तुमने दिया था एग्जाम, हाँ कितने आए? हाँ जी, नेक्स्ट बोलो बेटा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए बोल रहा है, क्या है ये बोलो, हाँ भाई, वैसे तो इसके अंदर क्लियर कट है ये कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन करती है बिजनेस से रिलेटेड। हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो या स्टेट या फिर सरकार के सरकारी अधिकारी हो, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं किसके रिगार्डिंग, बिजनेस से रिलेटेड, उससे कहते हैं क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बोलो,
डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एक मिनट इशूड बाय दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज. अब नहीं नहीं अब सुन मुझे बोलने दो. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को पहले समझ लेते हैं. आईएएस ऑफिसर अगर बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है तो उसको बोलेंगे. यहां बिजनेस से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है. लाइक जैसे कि हम बोले कि दिल्ली में चल रहा है ना वो कौन सा जो इशू चल रहा है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर आए कि उनको उठाओ जेल में डालो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. क्लियर है? तो यहां पर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. पॉइंट तो सही है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा. हाँ कौन सा वाला? नहीं नहीं वो तो गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर है ना. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, यानी जो गवर्नमेंट के जो भी जो है मतलब कानून व्यवस्था को संबंध. हाँ मतलब इससे मतलब बिजनेस रिलेटेड नहीं है. लीगल भी नहीं आएगा. लीगल का मतलब वो है जहाँ कानून बनेगा. बात कानून की बात कहाँ हो रही है? नेक्स्ट नेम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. तुम्हें याद होगा हमने प्लानिंग की प्रोसेस की थी. कितनी थी वो? पांच. पहले क्या थी? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, सिलेक्शन. को क्या बोला गया था? सबसे रियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट वही होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन शेप देता है? एक बार सब पॉइंट बोला इसके लिए. एक मिनट व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना है ना. दूसरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच का एक रिलेशन होता है. हाँ भाई कितने सुपीरियर्स के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट काम करेंगे इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ऐसे भी. व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? क्या होता है इसे क्या बोलेंगे? यानी एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को मैनेज कर सकता है इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि टॉप लेवल पे कम होना चाहिए और लोअर लेवल पे ज्यादा होना चाहिए. मैं फिर बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है टॉप लेवल पे ये रेशियो यानी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रेशियो कम होना चाहिए और लोअर लेवल पे ये रेशियो. इसीलिए किसी भी कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे एक आदमी 2 से 4 लोगों को संभालता है, मिडिल लेवल पे एक आदमी 5 से 10 लोगों को संभालता है और लोअर लेवल पे एक आदमी 10 से 50 तक लोगों को संभाल सकता है एज पर उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी लीडरशिप क्या है. क्लियर है? तो हम बोल रहे हैं व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? एक आदमी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कितने लोगों को सुपरवाइज या डायरेक्ट कर सकता है उसे कहते हैं क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो आंसर क्या आया? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. फिर समझना, मैं फिर बताना चाहूंगा तुम में से कोई क्या कंफ्यूज है. मेरा क्वेश्चन है क्या इन दोनों में से किसी को कंफ्यूजन है? होना चाहिए, है ना. सुनो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर तुम कितने इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, कितना एक्सटेंशन तुम चाहते हो उसका. हाँ भाई एक एम्प्लॉई है, दो एम्प्लॉई कितने हैं किसके अंडर में? इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता. बस ये क्या कह रहे हैं व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन? कि ये कुछ काम इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा. तो इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है? नहीं बनता. कैसे नहीं बनता फिर समझ लो. ऐसे नहीं बनता. ये एक बंदा था इसके अंडर में, एक बंदा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है? क्या ये स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं नहीं ये कहाँ, ये तो एक कंपनी हो गई जो सीधा सीधा कुछ 5 लोग काम कर रहे हैं. अच्छा क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है? मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है? डेलीगेशन तो हो रहा है इसके अंदर. और क्या कह रहा हूं मैं? डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ? इसने इससे काम करा, इससे काम करा, इससे काम करा, इसे बोलते हैं डेलीगेशन. तो काम कराना तो सुपीरियर हमेशा सबॉर्डिनेट से क्या करवाता है? काम. उसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन. टॉप लेवल मिडिल से कराएगा, मिडिल लोअर से करवाएगा, लोअर लेवल वर्कर से करवाएगा. इसे बोलते हैं क्या? एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, कि अपने काम को और दूसरों से करवा सकते हो. बट व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल से 2 लोगों को हैंडल करेगा, मिडिल लेवल सिर्फ 3-3 लोगों को हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा. फिर ये बंदा 10-10 लोगों को हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा. तो अब जब ये प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बनता है, मतलब एक आदमी कितनों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करेगा, उसे कहते हैं क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तब जाके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा. जो सबॉर्डिनेट ऊपर वाले के लिए है उसके नीचे
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाता है, सुनो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये बताओ कि कोई कंपनी जो अभी तक बनी नहीं है क्या वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती है? जो अभी तक बनी नहीं है बनाती है? हाँ, इंप्लॉय तो बाद में आते हैं ना, पहले स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद बात आएगी कि इसके अंदर लोगों को पोस्ट करो, और जब इंपॉर्टेंट टास्क आएगा तो वो क्या कैसे यूज करेंगे? इंपॉर्टेंट टास्क आएगा तो डेलीगेट करेंगे टास्क को, उसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ, कि एक दूसरे को डेलीगेट करते जाना। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन बना के देता है? स्पैन ऑफ। ये बताओ, कई स्कूल्स हैं जो कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक क्लास के अंदर से 20 बच्चे रहेंगे। कई स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं एक क्लास में 150 बच्चा बैठेगा। तो वो जिस क्लास के अंदर 150 बच्चा बैठेगा, वो टीचर कितना एफिशिएंट यानी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा कि वो 150 बच्चों को कैसे मैनेज कर पाएगा? तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद जब लोग स्टाफिंग कर दी जाती है, तब लोग एक दूसरे से काम कराते हैं थ्रू डेलीगेशन। क्लियर? तो हमने क्या बोला, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है, जिसके बेस पे एक और नहीं आप मुझसे डिस्कस कर लो ना। हाँ बोलो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि टॉप लेवल नैरो होगा जबकि नीचे वाइडर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी नीचे ज्यादा लोगों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंट्रोल करेगा। इसकी वजह से इसका शेप ऐसा होता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, किसके अंदर? नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब सुनो, क्या सेंट्रलाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है? क्या सेंट्रलाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। पांच लोग काम कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? 10 लोग आ गए, क्या अब स्ट्रक्चर बनेगा? अभी भी क्यों जरूरत है? अभी भी सब अकेला काम संभाल लेगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैटर नहीं करता। नेक्स्ट बोलो बेटा। एक मिनट जाओ भाई, जिसको जो डाउट हो वो प्लीज डिस्कस जरूर करे, है ना, क्योंकि क्या नाम है, कई लोग जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वैसे तो छोटे छोटे कुछ डाउट्स थे, लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जो डाउट दिमाग में आ रहा है वो ज़रूर पूछना है, ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या सोचेगा। बोलो बेटा। तो ठीक है, ये तो क्लियर है मैं कि वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो वर्कर्स के लिए क्या लगता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई वन इनडायरेक्ट पेमेंट। अच्छा, अब एक बार समझ लो पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे इस पर भी कई लोगों ने गलतियां की हैं। तो जैसे इसके अंदर डायरेक्ट पेमेंट जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, सैलरी काम के बदले मिल रही है, कमीशन काम के बदले मिल रहा है, अलाउंस काम के बदले मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर्स ने इंश्योरेंस पे किया। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंश्योरेंस पे करे, वो चाहे तो पे करे चाहे तो पे ना करे। अच्छा, तो बोलते क्या है इसको, ये बताओ जरा। एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसका इंश्योरेंस, इसे बोलते क्या है? कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में सब आता है, सीओ ही नहीं बोलोगे आप। उसने बोला आइडेंटिफाई वन इनडायरेक्ट पेमेंट, कौन सा है जो कंपनी कर रही है उसके बिहाफ में, कंपनी उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रही है, उसे बोल रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट। कंपनी डायरेक्टली उसको जो पे कर रही है उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पेमेंट, और जो उसके बिहाफ में कंपनी ने पे किया उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। क्या तुम्हें नेशनल इनकम के अंदर एक पॉइंट याद है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एड होता है? वही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, जो एम्प्लॉय की सैलरी से नहीं गया, एम्प्लॉय को दिया नहीं है, उसके बिहाफ में उसके फ्यूचर के लिए दे दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं क्या, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसी को बोला जाता है क्या, एम्प्लॉयर ने उसका इंश्योरेंस पे किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हम्म,
एक मिनट, जो सबऑर्डिनेट्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर एनी यूजफुल सजेशन। तुम्हें याद होगा पर्सनल बैरियर में चार बैरियर थे। हाँ भाई, ए डर रहा है सी की कंप्लेंट करने के लिए, क्यों? लैक ऑफ फियर टू चैलेंज। दूसरा, ए डर रहा, सॉरी, ए को एक ही, एक का कॉन्फिडेंस नहीं है किस पर, सी पर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबऑर्डिनेट। फिर बी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो वो करता है उसका कोई फायदा नहीं मिलता उसको। और लास्ट पॉइंट क्या था, लैक ऑफ, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये बोल रहा है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कौन सा इनमें से ये पर्सनल बैरियर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर सार्की द एक्सटर्नल स्विडिश लिमिटेड बिल्ड अप हिज सक्सेसर बिफोर रिटायरिंग फॉलोइंग द नॉर्म सेट अप बाय, बेटा प्लीज दोबारा बोलो यार, और इन मत बोलो यार आपस में यार। हां, एम आर सार्की द एक्सटर्नल स्विडिश लिमिटेड बिल्ड अप हिज सक्सेसर बिफोर रिटायरिंग फॉलोइंग द नॉर्म सेट अप बाय हिमसेल्फ ही हैंडेड ओवर द रेंज ऑफ द कंपनी टू द को-फाउंडर मिस्टर शवन हु हैड द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। यहीं पर हिंट मिल गई, बिहेवियर कौन चेंज करता है, लीडरशिप, और फीलिंग कौन चेंज करता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट, व्हाट मैनेजरियल एक्शन मे नाउ बी टेकन बाय द कंपनी टू अवॉइड सच अ सिचुएशन अप फ्रॉम राइजिंग इन द फ्यूचर एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट एएमबी कंसल्टेंट्स इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ मंथ दिस हैज अपसेट देयर क्लाइंट्स एंड माइट अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग रन नो मैनेजरियल एक्शन लाइक असाइनिंग मोर वर्कर्स इक्विपमेंट और गिविंग ओवरटाइम हैज बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन बोलो, एक बार क्वेश्चन बोलना पहले। किस चैप्टर का ये? कंट्रोलिंग, ठीक है। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन फ्रॉम अराइजिंग इन द फ्यूचर एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट एएमबी कंसल्टेंट्स इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ मंथ दिस हैज अपसेट देयर क्लाइंट्स एंड माइट अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग रन नो मैनेजरियल एक्शन लाइक असाइनिंग मोर वर्कर्स इक्विपमेंट और गिविंग ओवरटाइम हैज बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हां भाई, तो क्या बोल रहा है ये, किस किस को डाउट है इसके अंदर? हाँ भाई, किसी को डाउट है इसके अंदर? जिसके नंबर नहीं है ना, वो डाउट के नाम पे बोल देना भाई, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, नया खरीदना या मॉडर्नाइज करना, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कौन सा? कैपिटल वर्स्ट। नेक्स्ट, हाँ ये भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज हुए। हाँ बोलो, क्यों? बेटा दोबारा क्वेश्चन बोलो। कहीं उसने ये नहीं बोला, फाइनेंस की बात ही नहीं की उसने तो। और एक और चीज, फाइनेंसिंग कब होएगा, जब डेट और इक्विटी की बात करेगा, सीधी बात, ऐसा कुछ बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। और किसको गलत है ये? क्वेश्चन नंबर 12 बोलो बेटा, ये तो हो गया ना। ABC Limited has debt equity ratio 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio 1:1. Name the advantage ABC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment of the company. एक लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? When the rate of interest is lower than the rate of return on investment. ROI is greater than cost of debt. ये बोल रहा है? हाँ भाई, तो ये बोल रहा है कि कंडीशन ये चल रही है कि एबीसी थी जिसकी डेट इक्विटी क्या था 3:1 और दूसरी थी उसका क्या था 1:1। वो कह रहा है नेम द एडवांटेज एबीसी लिमिटेड विल हैव ओवर, तो इसमें तुम्हारे हिसाब से किस किस को, किस किस का आंसर गलत है पहले तो बताओ। हाँ, अब तुम अपना डाउट बोलो, क्या है डाउट तुम्हारा? बेटा दोबारा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ABC Limited has debt equity ratio of 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio of 1:1. Name the advantage. एक मिनट, दोनों में से किसका रेशियो सही है, बढ़िया है? ABC का या XYZ का? XYZ का फेवरेबल है, यानी वो आराम से उधार और ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। आगे, किसकी बात कर रहा है ये? किसका है ये ROI ज्यादा COD से? ABC। तो जब भी ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं,
कोई बात नहीं, उदाहरण और ले लो। तो किसकी बात कर रहा है ये? नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते ही क्या है? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो हम क्या बोलेंगे कि उसको किस चीज का बेनिफिट है? वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकता है क्योंकि उसका आरओआई ग्रेटर देन क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो टेक्निकल टर्म अलग से आएगा निकल के, जैसे याद दिया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ना, तो अलग से इंडिविजुअल पॉइंट को कवर मत करना, क्योंकि देखो तुमने जो बोला उसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं ना कि इसकी आरओआई ज्यादा थी या ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, एक्स वाई जेड की ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो पॉइंट ऐसे होंगे तुम्हें लगेगा सारे पॉइंट है, लेकिन तुम्हें याद रखना है चैप्टर के अंदर जो हमारे टेक्निकल टर्म्स है ना उन्हीं में से निकल कर आएगा आंसर। और ऐसा तो पूछ ही नहीं सकता कि खाली सीओडी की बात करें। हाँ, लेकिन यहाँ तक की बात नहीं, उसने बोला कि हमें सब सुनो, एबीसी का रेशो क्या था? रेशो तो उसका फेवरेबल नहीं है क्योंकि उसका डेट इक्विटी रेशो हाई है और एक्स वाई जी का कम है, लेकिन उसने एक पॉइंट दिया है जिस बेस पे मैं बता रहा है कि एबीसी का आरओआई ज्यादा है सीओडी से। तो हमें तो मतलब ही नहीं किसी और से बात से, जब भी ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज फेवरेबल। नेक्स्ट, नहीं, आरओआई ग्रेटर देन उसे बोलते हैं फेवरेबल, जब ग्रेटर होती है, लेस होती है तो अनफेवरेबल कहते हैं। अच्छा, पहली बात तो व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? उधार ज्यादा लेना है ना। नेक्स्ट, विक्रांत जॉइंस हिज फादर्स बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक मसालास नियर कोटद्वारा इन हिमाचल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए। इन ऑर्डर टू कैप्चर अ मेजर शेयर ऑफ द मार्केट ही डिसाइडेड टू सेल द प्रोडक्ट इन स्मॉल अट्रैक्टिव पैकेजेस बाय यूजिंग द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। हिज फादर सजेस्टेड दैट दे हायर फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू एस्टीमेट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट एस्टीमेट करने की बात कर रहा है ये। That would be required for the purpose and timing when it would be required. ठीक है। Step being discussed by Vikram's father links with financial decision with the investment decision. हाँ भाई, उसने क्या बोला? Financial planning. एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन बोलो पूरा। अरे सर, क्वेश्चन से पता चल गया। अरे एक मिनट, एक नहीं पता नहीं, सुनो पहले, ऐसे नहीं, दिमाग नहीं लगाना है अपना, पूछो क्यों? ये सुनो पहले, ये क्वेश्चन बोर्ड ने दिया है, बोर्ड ने इसका आंसर दिया है, तो तुम इससे लड़ोगे नहीं, ये तुम लड़ ही नहीं सकते। ये मैंने आंसर नहीं दिया है, बोर्ड ने साल सजेशन दिया है कि ये आंसर होगा इसका, तो हम पहले ढूंढे एक बार है ना, दोबारा बोलोगे क्वेश्चन। His father suggested that they hire financial consultants to estimate the amount of funds that would be required for the purpose. बस याद तो रुको पहले, अभी इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को से बात करते हैं, वो हमें बताएगा कि मतलब उससे बात करके हम फाइल करेंगे कब और कितना। रुक तो जाओ यार भैया, कब और कितना? जब हम कब और कितना बात करें तो उसे बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। आगे बोलो। लिंक विच फाइनेंशियल डिसीजन विद एक मिनट तो रुक जाओ यार, कॉन्सेप्ट विक्रांत फादर लिंक विच फाइनेंशियल डिसीजन विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हेलो, फाइनेंशियल। हाँ भाई ठीक है, देखो इधर तुम सुनो, अब यहाँ पर तुम्हारी कंफ्यूज लो क्या हो गई है। यहाँ पर क्या दिया है? फाइनेंशियल डिसीजन दिया है ना, और हमने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिंक करती है, फाइनेंसिंग को। यहां पर क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल डिसीजन के दो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वो बोल रहा है कौन सा है जो लिंक करता है, फाइनेंशियल डिसीजन का कौन सा पॉइंट है जो लिंक करता है किसको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो कौन सा है वो?
फाइनेंसिंग डिसीजन है जो किसके साथ लिंक होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ लिंक होता है, और कौन करता है वो, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जाना है हमें, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जाना है, इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितनी करनी है, वो पूछ रहे हैं बताओ वो कौन सा दूसरा पॉइंट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा लिंक करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, लिंक किया जाता है, और कौन करता है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है ये काम। क्लियर है ये? नेक्स्ट, considering this, Raman advised Raghav to purchase the shares of Solutions Limited, who acted on his advice and bought the shares before time. अच्छा, ये तो वैसे तो अगर हम इसको बोले से बोल, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी खास बात से ली गई, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, विच, कौन सा फंक्शन है ये। नेक्स्ट, ये भी गलत है क्या किसी का? हाँ, तो ये बोला लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अच्छा, तुम्हें याद होगा कॉन्सेप्ट कितनी थी, फिलॉसफी इसकी 5 थी। अच्छा, प्रोडक्शन क्या कहता था, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रखो, उसे कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्ट क्या था, फीचर्स पर फोकस करना। अच्छा, मार्केटिंग क्या था, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना। सेलिंग क्या था, बाय हुक और बाय क्रूक, ऑफर दो बेचो, है ना। और तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर है प्रोडक्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो सौम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस। शी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वेस टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव कस्टमर्स। बेस्ड ऑन दिस शी प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस। शी देन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द ड्रेस मटेरियल। चीख चीख के बोल रहे हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हिच कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबाउट इज परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल बायर एंड प्रमोटिंग द सेल। टोमेटो लिमिटेड, अ फूड डिलीवरी सर्विस ऐप, हैज रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर द टैम्परिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय देयर डिलीवरी बॉय। टोमेटो लिमिटेड डिसाइडेड टू पुट अ होलोग्राम सील ऑन द फूड पैकेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंटेंट्स फ्रॉम स्पॉइलेज, लीकेज, स्पिलेज डैमेज अलोंग विद द टैग विद अ सेफ्टी वार्निंग फॉर द कंज्यूमर्स टू चेक द। हाँ भाई, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है पैकेजिंग और लेबलिंग के बीच में। हाँ जी, पैकेजिंग और लेबलिंग के बीच में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। तो किस किस को लगता है कि ये पैकेजिंग है, पॉइंट बोलो, कौन सा पॉइंट? ठीक है, क्या है, हाँ भाई, तो आओ इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट बोल दिए, अब एक बार देखते हैं इसके राइट पॉइंट क्या बनेंगे। दोबारा बोलो बेटा। अच्छा, पहले बताओ यहाँ पर इस केस में हुआ क्या था, पता होगा सभी को क्या केस हुआ था, नहीं क्या हुआ था केस, कि वो लोग जो डिलीवरी करने जाते थे वो, हाँ जी आगे, नहीं सिर्फ खा ही नहीं लेते थे, इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, कई बार वो जो फूड था वो मतलब या फिर कह लो उसको एक्सचेंज कर दिया, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आई जहाँ पर कि उन्होंने अच्छे फूड की जगह बेकार फूड को रिप्लेस कर दिया। आगे, एक मिनट जाओ, उसने क्या बोला यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, एक सील लगा दी। तो ये तुमने देखा होगा जो डब्बा आता है, बॉक्स आता है, उसके अंदर एक स्टिकर टाइप का लगा होता है जिससे कि क्या है, वो क्या बताने वाला है, हाँ भाई, वो क्या बता रहा है कि अगर ये लगा हुआ है, सील लगी हुई है प्रॉपर, इसका मतलब, इसका मतलब पढ़ो आगे क्या है, इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि इसे सील चेक करो, अगर सील सही लगी हुई है
इसका मतलब खाना वही है जो हमने भेजा है, यानी जो दुकान से पहुंचा है वही सामान आपके यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ पर कहीं भी पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक वो सील की बात कर रहा है जो सील लगा दी गई है। हाँ भाई, वो सील लगा दी गई है किस लिए, और उसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? अगर सील लगी हुई है प्रॉपर, इसका मतलब खाना वही पहुंचा है, बीच में खोला नहीं गया है। अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो? नहीं वो तो सेफ्टी को लेकर तुम कौन से पॉइंट पे आ रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि स्टिकर लगाने से एक्सीडेंट नहीं होएगा? ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी कैसे होगी? वो खाली ये बता रहा है कि अगर ये स्टिकर लगा हुआ है इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, जो लोग बीच में खाना निकाल लेते थे या कुछ भी दिक्कत करते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात की गारंटी किस बात से? अच्छा तुम लोगों ने एक चीज इसी से रिलेटेड बोल देता हूँ, तुम लोगों को पता होगा इस बारे में कि कई बार ऐसा होता है वो जो कि अमेज़ॉन में हुआ था, कईयों ने मोबाइल मंगाया, मोबाइल के अंदर कुछ उल्टा सीधा भर के दे दिया गया और जैसे ही वो आया लोगों ने खोला तो मालूम चला उसमें कुछ और है। तो ऐसे में कंपनी की तरफ से एक आया था कि जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लो उसकी। तो उस समय क्या हो गया था, हर आदमी क्या करता था, जब भी मोबाइल या कुछ भी आता था तो उसको पहले रिकॉर्डिंग में उसे ओपन करते थे, अदरवाइज प्रूफ कहाँ से देंगे? तो वो जो उन्होंने क्या किया था कि सील पहले चेक करो कि ये जो भी हमने सील्ड भेजा है, अगर आपको कहीं भी लगता है कि सील नहीं है प्रॉपर तो उसको पहले क्या करो। तो इसने बोला सील पे, सील का मतलब क्या था कि हाँ भाई जो भी फूड है वो सब क्या है वैसा ही है जैसे कि आपको भेजा गया था। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो लेबलिंग की बात कर रहा है। क्या किया है उसने सेफ्टी मेजर के लिए? लेबलिंग लगाई है, जिस लेबलिंग से मालूम चल जाए कि इस खाने के साथ कुछ बदतमीजी नहीं की गई है। नेक्स्ट ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट नहीं है। राइट तो छह थे, यहां पर क्या था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट, किसने गलत किया ये? हाँ भाई, तो क्या बोला गया है, कहां पर करेगा? अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक मिनट जाओ, एक स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, या कहीं नहीं? रुक जाओ ना, अरे रुको तो रुको। हाँ भाई, तो पहले ये बताएगा मैं, हाँ बताओ बेटा, प्लीज सुनो ना, जब तुम्हारी डाउट है तो फायदा क्या आपसे बात करने का, सुन लो एक बार। हाँ एक मिनट जाओ यार पीछे, हाँ बोलो कुछ कहना चाह रहे हो तुम? हाँ तो सुन लो उसकी बात, या पड़ोसी से क्या बात कर रहे हो फिर यार, सुन ले, हम सुन ले उसकी बात, बोलो। एक मिनट, अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ जी, तो अब बात आती है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें हिंट दे रहा है कि ये अबे सुन लो पहले, ऐसा कौन सा पॉइंट है तुम्हें हिंट दे रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल फोरम है? नहीं नहीं, हाँ तुम सही कह रही हो कि जाएंगे, है ना, लेकिन हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, इन फोरम्स के इतने क्राइटेरिया है, उनमें से कोई क्राइटेरिया हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे क्लेम कर दूं? और क्लेम का एक ही तरीका था क्या? नहीं, सर्विसेज भी हो सकती है, मतलब लेकिन पैसा चाहिए ना, एक रुपए का भी केस है तो कर दो। मैं तो ये बात मान रहा हूँ, मैं क्या तुम्हारे पास क्या डेटा है, तुम कहाँ भेजोगी बता दो पहले, बदतमीज क्यों भेजोगी? एक मिनट, विशेष भी कुछ कह रहा है, विशेष बोलो। अब यहाँ पर जैसे कि विशेष ने एक और पॉइंट बोला, तो सुनना, अगर ये नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर फ्री कैंप भी है ना तो वहां पर भी जाकर वो उसकी पर्ची कटेगी कि हाँ भाई कुछ तो प्रूफ मिलेगा उसको कि हाँ भाई मेरी आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। नहीं नहीं भाई, कह रहा हूँ फ्री का प्रूफ तो होगा कि हाँ मैंने यहाँ पर फ्री में अपना, हमारे पास सुनो,
हम दिमाग वहां तक ना लगाएं जहां तक हमें लगाना नहीं है, हमें बस ये लगाना है कि एक ही तरीका है पता करने का कहाँ जाएगा, वो क्या है, अमाउंट। अमाउंट हमें पता नहीं है, हम क्लेम कर नहीं सकते जगह का। क्या तो रहे मरने के बाद उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है। हाँ अरे तो होता है, नहीं होता है तो क्या जी सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे सुन लो भाई यार, जो लोग यहाँ बैठे हुए टाइम पास करने के, भारी टाइम पास कर लो यार, पुलिस नहीं आएगी नीचे अभी है यार, आए हो तो कुछ तो पढ़ दो यार, नहीं फायदा क्या बैठने का होता इस तरह से यार। हाँ जी, और जब बैठे हो तो डिस्कस जो हो रहा है, एक और चीज सुनो, जो आपस में डिस्कस करने से सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो जिसकी प्रॉब्लम है उसका आंसर मैं करूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तुम लोग आपस में करोगे तो कोई फायदा नहीं है, और टाइम जबरदस्ती बर्बाद करोगे अभी टाइम। हाँ नहीं छोड़ दो ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन हमने क्या, तुम्हारे पास क्राइटेरिया क्या है, तुम सारी बात सही कह रही हो, मेरी बात सुनो पहले, तुम अपने जितना तुम्हारा कोर्स दिया है तुम कोर्स से बाहर तो नहीं निकल सकती हो ना, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, नहीं नहीं एकदम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा पहले, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसी में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बहुत हायर वो हो गया ना, हाँ तुम अगर कुछ नहीं होता तो तुम वही करते, उनमें से कहीं नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आता नहीं ना, प्रैक्टिकली नहीं आता, 1,00,000 रुपए फी है भाई उसकी यार, एक हियरिंग की, अब कौन देगा, तो ये तुम क्लेम नहीं कर सकते हो ना, कहाँ जाएगा, उससे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की केस में जाते हैं हम लोग उन्हीं फोरम में, फ्री अगर नहीं होता तो प्राइस मेंशन तो पक्का होता ना कितने का, अरे क्या लिखा है यहाँ पर, तो बस तुम्हारी ना ना यार, अब तुम कहाँ जाएगा उसकी जगह पे पढ़ो, कहीं यहाँ पे नहीं जाएगा बस। हाँ भाई आते हैं सेक्शन बी, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये, बोलो हाँ भाई, तो यहाँ पर उसने बोला है 3 टास्क बताने, तो पहली बात तो बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर, ये कौन है, एक मैनेजर है, मैनेजर कौन होता है, मिडिल लेवल का होता है, तो मिडिल लेवल के जो भी टास्क हैं बता देंगे, इसका सेकंड ऑप्शन बोलो, हाँ भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी क्लियर है, सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ इसको समझा देंगे। अच्छा जिनको इन दोनों क्वेश्चन में भी नंबर नहीं मिले हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से समझना ही कि बड़ी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे इस क्वेश्चन में भी नंबर नहीं आया तो। हाँ ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसने बोला लिस्ट एनी 3 टास्क जो आपको बताने हैं, तो इसके टास्क जो है ना वो एक्सप्लेनेशन वाले थे भी नहीं, उसमें क्या है जैसे कि वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है ना, ऐसे ही क्या करता है वो, कोऑपरेशन का काम है उसका, तो ये मतलब एक लाइन सी लिख दी उसी के अंदर तुमने घुमा के लिख दिया, कोई ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं, और उसने बोल भी दिया लिस्ट, वो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, आप नॉर्मल तरीके से बता दो क्या क्या कर रहा है ये, और इस क्वेश्चन में एक काम जरूर करना है, बता देना एक बार अलग से लिखकर कि ये कौन से लेवल का मैनेजर है, नहीं बताना है, कई लोगों ने बताया भी नहीं है, सीधा आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोलो, यहां पे कई लोगों ने गलती की है, सुन लो क्या, अरे वहां क्लियर दे रहा है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, कईयों ने किया इसे अथॉरिटी समझा दी है, कोई बात नहीं यार, तो यार वो कहाँ बात हो रही है यार। हाँ
क्वेश्चन बोलो। हाँ भाई, तो इसके अंदर क्या था? ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ो फिर समझते कैसे आएगा ये। एम्पायर करने का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी देना। अकाउंटेबिलिटी किससे आती है? इसका मतलब उसने बोला है अथॉरिटी भी है, अथॉरिटी के साथ क्या जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या आती है, लेकिन ऊपर यानी सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। तो तीनों अपने भी आगे निकल के दोबारा बोलो बेटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डेलीगेशन को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं, है ना। एक एक, एक इसका पॉइंट का पूरा कर दूं। सुनो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? सुनो, अरे सुन तो लो, अथॉरिटी ट्रांसफर करना, जब अथॉरिटी ट्रांसफर करेंगे तो साथ में क्या जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, तो साथ में क्या लेकर आएगी? तो तीनों पॉइंट बन गए ना। और ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टर्म है पूरा। ठीक है, जिन्होंने सिंगल लिखा है सिंगल गलत है, ऊपर से एलिमेंट उसने वैसे ही बोल दिया है। ठीक है, हाँ अब तुम बोलो। चलो अच्छा, एक और पॉइंट, ये एक अच्छा पॉइंट और है, सुन लो। ऐसा है, कई ने बच्चों ने गलती की है, लाइक सिंगल यूज और स्टैंडिंग दोनों का कंपेयर कर दिया है। नहीं करना है, एक काम करना है, बात समझना मेरी। उसने डिस्टिंग्विश नहीं बोला, हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना है, हमें सिंपल एक्सप्लेन करना है। जब बोलेगा डिस्टिंग्विश तब डिस्टिंग्विश करना है, और तुम वही सेम डिस्टिंग्विश वाले को तुम किस में लिखोगे? अपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, नंबर अभी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह रहा हूं जब तक वो डिस्टिंग्विश नहीं बोलेगा डिस्टिंग्विश नहीं करना है। कोई बात नहीं यार, मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं तुम में से किसी को भी इस चीज को लेकर खुश नहीं करना चाहूंगा कि तुम्हें अभी ज्यादा नंबर मिल जाए बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो। अभी नंबर कटेंगे तो हम डिस्कस तो कर रहे हैं, एटलीस्ट डिस्कस करेंगे तो वो हम वहां पर तो गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, बोलो नेक्स्ट। ठीक है बोलो। अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसके अंदर कईयों को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है ना। कईयों को इस बात की प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आया कि सेकंड में बोल क्या रहा है। तो एक बार दोबारा बेटा क्वेश्चन तुम दोबारा बोल दो एक बार। ठीक है बोलो। तुम्हें एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही होगी, किसका है ये? कंट्रोलिंग से है ना, तो कंट्रोलिंग तो हमें दिखाई दे गई। अब उसने बोला क्या, लिस्ट एनी टू रीजंस व्हाई। हाँ भाई, क्यों करनी है कंट्रोलिंग? इसका मतलब एडवांटेजेस या फिर बोलो इंपॉर्टेंस जो होती है कि क्या फायदा क्या है इसका, है हसरी टाइप तो। उसने बोला है कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों है, रीजन बताओ क्यों जरूरत है कंट्रोलिंग की। हाँ क्या चीज? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत लोगों के गलत है। हाँ कोई बात नहीं, अरे रुको ना, तो इस पर चिल्लाने की बात क्या, बोलो। हाँ ठीक है, एक मिनट, कई लोगों ने इस स्पॉन्सर को लेकर एडवर्टाइजमेंट किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेकर ना मैं एक बहुत ही लॉजिकल बात बता रहा हूँ, थोड़ा सुनना ध्यान से, दिमाग एकदम खत्म करके। ऐसा था कुछ साल पहले तक ना, जब भी ये क्वेश्चन आता था तो जैसे तुम्हें याद होगा
बोर्ड ने एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन कवर किए थे जब पहली बार, तो उन्होंने क्या बोला था लार्ज नंबर्स तक पहुंचने के लिए क्या करना है, तो हमारा आंसर क्या था याद है ना कि लार्ज एरिया कवर करना है तो क्या करना है एडवर्टीजमेंट। अच्छा एडवर्टीजमेंट की एक और चीज़ थी, पहला क्या पेड फॉर्म में होता है ये, तो हम यहाँ दिया तो नहीं लेकिन खर्चा तो हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है रुको खर्चा तो हुआ होगा ठीक है। अच्छा हम पढ़ कर रहते स्पॉन्सर होता है एक, यहाँ पर पॉइंट भी मिल गया कि स्पॉन्सर भी दिखाई दे रहा था कि स्पॉन्सर कर रहा है वो चीज़ को। हाँ भाई एडवर्टीजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, बेचते हो प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, किसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है ये इतने का है इसका फीचर ये है ये बताते हो। पॉइंट नंबर टू, जैसा कि तुम आंसर देख पा रहे हो पब्लिक रिलेशन, इस बार जो क्वेश्चन आया था तुम्हें याद होगा, अच्छा पब्लिक रिलेशन में पहले क्वेश्चन क्या आते थे नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करने के लिए, तो बहुत ईजी होता था पकड़ना, फिर बोर्ड ने लास्ट डे चेंज किया इसके अंदर ट्विस्ट किया थोड़ा सा, क्या नेगेटिव इमेज हटा दी, क्या बोला कि अगर आपको अपनी इमेज पॉजिटिव करनी है इमेज बनानी है तब भी क्या काम आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि लोगों से बात करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना अपनी इमेज को बिल्ड करना। इमेज को बिल्ड करने के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बताओगे, क्या बताओगे अच्छी बातें बताओगे कि हम पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है तो वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है क्या? क्या तुम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो अपने जो अभी जो जो सर्कल बने इन सर्कल्स पे जो गार्डनिंग हुई है ये किसी कंपनी ने पैसा खर्च किया है, और अगर तुम देखो तो वहीं पर सर्कल के आसपास कहीं एक बोर्ड लगा होगा जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा होगा जिसने उसका खर्चा किया है, एंड दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जरा बताना ये कौन सा प्रमोशन यूज कर रही है कंपनियां जो गार्डन्स को मतलब ये चौराहों के अंदर जो खर्च कर रही है, क्या वो एडवर्टीजमेंट कर रही है अपनी? नहीं, एडवर्टीजमेंट में अपना प्रोडक्ट पब्लिश किया जाता है, प्रोडक्ट बेचा जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो क्या कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, क्या मतलब लोग देखें कि हाँ ये कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है, और कौन देखता है इसको? गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट देखती है कि गवर्नमेंट देख रही है कि हाँ ये कंपनी हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है पब्लिक रिलेशन डेवलप होता है। तो इस क्वेश्चन ने बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन ने बोल रहा है कि उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है वापस स्टार्ट करना, अब सबको ध्यान क्या देना है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है या फिर किसी और चीज के बारे में, बोलो बातें करते रहो, एक बार रीड कर लो ना। हाँ अब सुनो सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नहीं 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 अपना प्रोडक्ट बेचना और बेनिफिट बताना, फॉर एग्जाम्पल एजुकेट करना कहते हैं इसको, क्या करना एजुकेट करना, लोगों को बता रहे हो इन्फॉर्म कर रहे हो लोगों को, लोगों को क्या बता रहे हो उसके बेनिफिट्स बता, अपना प्रोडक्ट नहीं बता रहे हो। नहीं 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 सुनो तो ना ना ना, ना सुनो सुनो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ उसने क्या बोला कि वो अपने जो उसका प्रोडक्ट बनाया उसके बेनिफिट्स बता रहा है, बेनिफिट्स का मतलब एक मिनट फिर रुको एक मिनट, जैसे उसने बोला कि उसने कोई चीज़ बनाई तो याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक होता है जेनरिक, जेनरिक नेम कि एसी के फायदे सबको बताए जा रहे हैं लेकिन मेरा एसी लेने का फायदा क्या है, जब मैं अपने बोलूंगा कि इस कंपनी का एसी लेने का फायदा क्या है तो उसे क्या बोलेंगे एडवर्टीजमेंट कि आप अपने प्रोडक्ट को वहां पब्लिश कर रहे हो। यहां पर उसने नॉर्मली क्या बोला है कि उसने क्या किया उसके बेनिफिट्स बताए कि इस चीज से आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, और पूरा करते हैं आगे बोलो बेटा इसके आगे। सुनो सुनो मैं और बताता हूँ। हाँ बोलो। नहीं खाली न्यूज़लेटर समझे नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम तो ये पहले हो चुकी है, कौन सी स्पॉन्सर देख के एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है दिमाग में। जैसे अभी आपने बोला कि प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अगर एडवर्टाइजिंग आ रही है तो कोई भी प्रोडक्ट है तो अपने नेगेटिव इफेक्ट। हाँ एकदम जाओ, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ यार क्यों टाइम बर्बाद करना है। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी अरे रुक जाओ पहले। हाँ भाई अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, अभी बात यहाँ सुनना ठीक है। मेरा मन कर रहा है, नहीं नहीं अरे वासु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे सुन लो पहले बदतमीज तुम। हाँ सुनो, मेरा मन कर रहा है कि ना मैं अपनी जो मेरा प्रोडक्ट है, अपनी क्लासेस है मेरी, मैं उसकी एडवर्टीजमेंट करूँ। यहाँ सुनना, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सभी को या फिर तुम्हारे थ्रू 10 लोगों को बताऊं, उनके थ्रू 50 लोगों को बताऊं कि मैं क्या बेच रहा हूं, मैं क्या यूनिक कर रहा हूं, क्या डिफरेंट कर रहा हूं, मेरी बात यहां सुनना। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार ये चीपनेस हो जाएगी किसी से बोलना कि अरे नहीं बोलो बोलो बोलो, तो मेरे माइंड में क्या आया, कुछ यार डिफरेंट करते हैं ना, अब सुनो डिफरेंट क्या करने वाले हैं। तो हमारे मन में क्या आया कि काम, अरे सुन तो लो एक मिनट यार, कि क्या करते हैं स्कूल्स में जाके सेमिनार्स देते हैं। ध्यान सुनना, मैं स्कूल अगर जाके बोलूंगा स्कूल वालों से कि नहीं सर अगर आप ना सेमिनार देंगे तो आपके बच्चों को ये फायदा ये फायदा ये फायदा, स्कूल क्या बोलेगा, नहीं आप अपनी क्या करने आए हो, एडवर्टीजमेंट, स्कूल अलाउ नहीं करेगा। तो हमने स्कूल से बोला कि नहीं सर हम ना इनको बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से किस तरह से पढ़ाई की जाती है, कैसे चार्ट बनाए जाते हैं जिससे कि आप इजीली इसको पढ़ सको, हमें एडवर्टीजमेंट नहीं देनी है सर, हम सिर्फ बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं। तब हुआ क्या, मैं गया, मैंने जाके स्कूल में एक प्रोग्राम रखा सिर्फ ये समझाने के लिए कि नहीं याद हो सकता है, पॉइंट्स याद हो सकते हैं, ध्यान देना देना, क्या मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्कूल एंटरटेन नहीं करेगा अगर मैं जाऊँगा कि मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है। तो मैंने उसके लिए क्या तरीका यूज़ किया, पब्लिक रिलेशन, कि मैं लोगों से मिलूं, लोग देखें तो लोग समझे तो कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर वो कन्विंस होते हैं तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली सेल होगी। तो पब्लिक रिलेशन भी तो इसीलिए है ना कि अच्छे उनको ये रियलाइज हो कि हाँ। तो यहां पर उसने डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैराथन में आके क्या बोलेगा, ये मेरा प्रोडक्ट है ले जाओ, है वो क्या बोल रहे हैं, लोग आएंगे लोग उसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे, वो बेचने की बात नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ उसको बेनिफिट उसको बना बेवकूफ रहे हैं किस बात को लेकर, कि देख ये बेनिफिट होते हैं इसको यूज करने से, कुछ और यूज करेगा इससे बड़े मेरा प्रोडक्ट यूज कर ले, लेकिन बोलना नहीं है ये क्या कि मेरा प्रोडक्ट यूज कर ले। तो उसने क्या बोला है कि उसने कई तरीके यूज किए जिससे कि क्या कर सके, बदतमीज। हाँ बोलो, हाँ एक और चीज सुनो, इसने बोला पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इंटेंशनली नहीं होती, अपने आप होती है ना, आपने कोई ऐसा ऐसी हरकत की कि अपने आप वो चीज पॉजिटिव या नेगेटिव बन गई। तो हमें पॉइंट मिला क्या, पब्लिक रिलेशन किस बात के लिए, कि यहाँ पर उसने डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं की है, उसने किसकी बात की है कि वो मैराथन और इस तरह के प्रोग्राम्स करके लोगों को अवेयर करना चाहता है, तो अवेयरनेस लगा के उसने ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। अच्छा तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूँ, पिछले साल ना जब हम लोग मतलब अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे तो मैं कई स्कूलों में गया पता करने के लिए, बात करने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि ऐसे ऐसे हम दिस दिस याद कराते हैं। सोर्स लगाई मैंने, अच्छी अच्छी सोर्सेज लगाई, सोर्स लगा के डायरेक्टर तक पहुंच गए ठीक है। एक स्कूल ने क्या किया, एक स्कूल ने तो स्कूल के अंदर आने दिया, बच्चों के साथ भी कम्युनिकेट करने दिया, हमने बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया और कम्युनिकेट करके हम चले गए, हम बड़े खुश थे, बड़ा मजा आया, बच्चों को बहुत मजा आया। फिर उसके एक साल बाद उस स्कूल में मतलब दोबारा से मतलब हमारी बात हुई तो जो प्रिंसिपल थे वो कहते अच्छा आप ही आए थे लास्ट ईयर, आप तो अपनी एडवर्टीजमेंट करके गए थे यहाँ पर। तो मैंने उनसे बोला मैम अगर हम बच्चों के सामने बैठेंगे और अगर कुछ बता रहे हैं तो इस पर एडवर्टीजमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं आपने अपनी कोचिंग का नाम लिया था वहाँ पर, क्या बन गए नाम लेते क्या बन गया वो। तो हमने नई चीज़ सीखी कि अब कहीं भी किसी को स्कूल में जाना है, कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है तो कोचिंग का नाम, अच्छे बेनिफिट बताओ, देखो ये बेटा ये फायदा होगा चार्ट बनाने से, ये होगा बेटा पापा चार्ट पापा चार्ट पापा चार्ट, देख कॉमर्स विलेज नहीं बोल रहा है। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो अवेयरनेस फैलाने के फैला रहे थे, अल्टीमेटली गोल तो क्या था, प्रमोशन, प्रमोशन गोल था लेकिन सेलिंग के थ्रू नहीं, यानी कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं, किसके थ्रू, पब्लिक रिलेशन। अच्छा ये एक मिनट, ये नया पॉइंट आया है ये जो ऐड हुआ है, इससे पहले ये पिछले कई सालों में ऐड नहीं हुआ है। हाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हाँ भाई सुन लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमेशा पब्लिक रिलेशन, क्या चीज नहीं, कुछ भी हो सकती है, वो तो न्यूज़ बन जाती है। थप्पड़ मार दिया मैंने, तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी न्यूज़ बन जाएगी। मैं मार दूंगा तो नहीं बनेगी न्यूज़, तुम मार दोगे तो न्यूज़ बन जाएगी। हाँ, और एक और चीज़, पॉजिटिव रूमर्स थोड़ा स्लो फैलते हैं, नेगेटिव रूमर्स फास्ट फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो सब लोगों के याद सही थे। क्वेश्चन नंबर 26, अब कितने नंबर के? चार चार नंबर के क्वेश्चन है। ये भी इजी था, कई लोगों ने आराम से इसको अटेंड किया है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। किस वाले का? कौन सा वाला लिखा हुआ है तो नंबर दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ कि तुमने क्या लिखा है इसके अंदर। दिखा देना, दिखा देना, वापस दिखा देना ना। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो, वो जलते ही यहाँ खराब हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। अबे क्वेश्चन तो पढ़ दो पहले। आइडेंटिफाई, अब सुन लो पहले, यहाँ पर, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किस किस को नहीं मिला? सबको मिल गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरा जो दिया है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। तो ये भी सब लोगों को याद था, सही था ये भी। अच्छा एक और चीज़ है, तुमने नोटिस किया हो तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा मार रहे हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा मार रहे हैं। ये लेंथी क्वेश्चन तो आराम से हो रहे थे सभी के। नेक्स्ट, ये तो दैट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसी के अंदर स्टेट, इसके भी चार कंपोनेंट्स क्या थे? वैसे हमने कितने पढ़े थे? पांच, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, सॉरी चार। हाँ कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। हाँ, पांच नंबर के क्वेश्चन बोलो। अबे ये भी ज़्यादातर सब लोगों ने सही लिखा ही था। अच्छा अब इस क्वेश्चन में लेकिन एक पॉइंट ज़रूर है, पाँच नंबर का है। कई लोग यहाँ पर पाँच नंबर के यहाँ पे लिख ही नहीं पाए। कई लोगों ने यह किया नॉर्मल तरीके से टाइम स्टडी समझा दी, क्योंकि था ही नहीं कुछ समझाने के लिए तुम्हारे पास। इसलिए इसलिए हमने क्या बोला है कि जब भी ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो करो जिस पर तुम्हें लिखने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा हो बेटर। और अगर तुम तब भी लिख रहे हो टाइम स्टडी, तो तुम्हें टाइम स्टडी में क्या करना है? अपने आप एक एग्जाम्पल बनाना है, है ना। नॉर्मल टाइम स्टडी लिखो और एग्जाम्पल कोट कर दो, ठीक है। तो कई लोग हैं जो इसको पाँच नंबर के हिसाब से लिख नहीं पाए, तो अगर हो सकता है किसी ने लिखा भी हो तो उसको नंबर पूरे ना मिले हो। बाकी क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड ऑप्शन बोलो बेटा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, एक मिनट दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो क्वेश्चन। टाइम स्टडी की बात कर रहे हो तुम ना, टाइम एफिशिएंट। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, एफिशिएंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, एफिशिएंट। नहीं कॉस्ट की बात हो रही है, तो यार नहीं कर रहा हुआ है ना। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिवनेस होता है टाइम, एफिशिएंसी होती है कॉस्ट। तो यहां बोल क्या रहा है, यहां बोल रहा है एफिशिएंट। नहीं कॉस्ट रिलेटेड कर दिया ना इसने, कॉस्ट रिलेटेड कर दिया ना।
अरे कोई बात नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वो तो समझो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है ना। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है टाइम, एफिशिएंसी क्या होती है कॉस्ट। तो कॉस्ट से रिलेटेड बात कर रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं दोनों एक ही है तो है। अच्छा अच्छा उसकी बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ टाइम ही होगा, टाइम स्टडी में कॉस्ट तो रह जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लान्स डिस्कस्ड अबाउट व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडिंग प्लान्स बाय कोटिंग द लाइन। वैसे तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है, किसका गलत है बता दो। तीन मिले, गलत दिखाया गया है कुछ सर, चार मिले। एक एक और देख लेते हैं। हाँ भाई पहला तो उसने बोला इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, पॉलिसी मेथड और रूल्स। हाँ भाई क्या तीनों सबको मिल गए थे सर, पॉलिसी मिला था मेथड नहीं मिला। एक एक करके सुनने दो ना। हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव और बोलो, मेथड कहाँ से मिला, कौन सी लाइन है मेथड की भाई। एक भी देख रहे करो यार, ये पढ़ता बेटा ये लाइन पढ़ता, क्या दिया ये। हाँ ठीक है सुनो, इसका ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो हमने पढ़ा होगा जब हमने किया था, कि मेथड में टॉप लेवल को ट्रेनिंग देने का मेथड अलग होता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल को ट्रेनिंग देने का मेथड अलग होता है, ये लिखा हुआ था उस लाइन के अंदर है ना। तो ट्रेनिंग क्या बोल रहा है, टॉप लेवल की ट्रेनिंग के तरीके क्या होते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लेक्चर के थ्रू होती है, जबकि लोअर लेवल को कैसे करते हैं, वेजिटेबल ट्रेनिंग के थ्रू। तो मेथड क्या अलग अलग होते हैं, टॉप लेवल के लिए अलग होते हैं, लोअर लेवल के लिए अलग होते हैं ट्रेनिंग देने के। ये प्रॉपर लाइन है एनसीईआरटी की है। एक बार देख लेते बेटा कौन सा वाला बेटा, दोबारा बोलो बोलो। एक बार रुको ना बेटा, हाँ बोलो। हाँ ठीक है स्ट्रेटजी आएगा इसमें। बात सही बोल रही एकदम, ये उसको उसको कंफ्यूजन में रखते हैं ना, ना कि ये भी हो सकती है ये भी दोनों हो सकती है इसने। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा पॉइंट है ना ये। तो हमने क्या बोला, हमें ना सुनो, अरे मेरा सुनो, तो मैं ना इसके अंदर से तो मैं भी कोई, हम लोग गलती निकाल ही नहीं सकते हैं, बोर्ड का दिया हुआ है, गलती निकालने की दिमाग में मत लगाओ। हम क्या बोल रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो कैसे है ये। तो जो उसने बोला एकदम सही बात है कि उसने मांगा क्या है, सिंगल यूज, तो हमने सिंगल यूज में तो लिखते नहीं है उसे, हम क्या लिखते हैं इट मे बी दोनों में से कुछ हो सकता है, इसलिए इसको कवर नहीं करना। तुम्हें नंबर मिल गया कोई बात नहीं, बोनस है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ध्यान मैंने भी नहीं दिया, ये बात इसने बताई मैंने भी ध्यान नहीं दिया बात को। बहुत बढ़िया शानदार। नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, स्टडी हो सकता ऑब्जेक्टिव तो बन नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव फ्यूचर नहीं ऑब्जेक्टिव। अच्छा सुनो तुम्हारी बात पे आ जाते हैं, अगर तुम ये बोलो ऑब्जेक्टिव भी है तो वो भी सिंगल यूज में नहीं आता, सॉरी इसमें स्टैंडिंग में नहीं आता। तुम सुनो तो उसने बोला क्या है, डोमिनेंट पोजीशन पे आना है उसको बाय इंक्रीजिंग, इसको इतना बढ़ाकर, वो तो यूएसपी की बात कर रहा है ना कि मुझे डोमिनेंट पोजीशन पे आने के लिए वो बढ़ाना चाहता है, तो वो तो मेन डोमिनेंट पोजीशन का रीजन दे रहा है ना उसको। नहीं नहीं सुनो तो उसने क्या दे दिया, स्ट्रेटजी। अच्छा स्ट्रेटजी क्यों बनती है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो वो मेथड ऐसा था कि टॉप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टॉप लेवल को ट्रेनिंग देने के मेथड अलग होते हैं और लोअर और मिडिल लेवल को ट्रेनिंग देने के मेथड अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल को सेमिनार दिए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएंगी, जबकि लोअर लेवल को ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल बजटिंग, स्टेटिंग द फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल। ये भी याद है सबका सही था, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ये भी सबका ज्यादा सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट छह नंबर, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड
state the benefits to the organization that it's proper application in the firm will ensure. Ali Mohammed, the CEO of Super Limited, believes that human resources is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions provided for in the structure with the right kind of people. तो राइट काइंड ऑफ पीपल तो ये हमने सही आदमी सही जगह के लिए स्टाफिंग के थ्रू आता है. फिर उसने बोला क्या था, बेनिफिट्स बताने यानी स्टाफिंग के बेनिफिट्स बता दोगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग स्टेटली फोर पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टेड हो गया. नेक्स्ट सी के आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन स्टेट द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एज अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. अब तुम एक चीज देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चंस हुए हैं जो कि स्कोर लेने के लिए. और एक और चीज, इन क्वेश्चंस के अंदर अगर तुमने पॉइंट तुमने नोटिस किया होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर पहले तो पूछ रहा है एक नंबर का, तो उसने कह दे दिया उसको समझाओ है क्या, और फिर उसने फ्री कर दिया. तो कितने पॉइंट दिए इन्होंने, बोर्ड ने चार दिए हुए. चलो वो कोई नहीं, दूसरे पे आते हैं ना, ऊपर क्या दिए हुए, पांच दिए हुए. इसमें दिया हुआ है कितने नंबर, कितने पॉइंट चाहिए, एनी फोर है ना. तो अब ये तुम्हें समझना है कि छह नंबर के में क्या होएगा. ऊपर उन्होंने दिए दो नंबर की डेफिनेशन दे दी, बड़ी ज्यादा दे दिया, दो नंबर समझाने के बता रहा है, और चार नंबर तो चार पॉइंटों के चार नंबर मिल जाएंगे. और जैसा कि हमें पता है, अगर हेडिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलेगा. लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हेडिंग पता है तो हेडिंग लिखोगे तो फायदा मिलेगा. ये भी ज्यादा लोगों ने सही किया है, तभी बोलो तुम. काइना, अ ब्यूटी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनी, इज डाइवर्सिफाइंग इनटू मेंस ग्रूमिंग. इट इज आल्सो टैपिंग द डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन द फैशन इंडस्ट्री एंड अमंग प्रोफेशनल्स सच एज मेकअप आर्टिस्ट्स. एज इट डाइवर्सिफाइज इट्स ऑनलाइन प्रेजेंस, काइना इज आल्सो एक्सपेंडिंग इट्स फिजिकल प्रेजेंस. दे हैव 41 आउटलेट्स अक्रॉस 18 सिटीज प्रेजेंटली एंड प्लान टू एक्सपेंड टू 180 आउटलेट्स. ईच स्टोर रिक्वायर्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 टू 80 लाख रुपीस. द कंपनी हैज डिसाइडेड ठीक है. हाँ भाई, सबको मिल गया ऑफर फॉर सेल. ठीक है फिर. सर इन्होंने तो सिर्फ दो पॉइंट दिए हैं, मतलब उसके बाद छह नंबर में मैं थोड़ा मैंने भी बाकी सारे लिखे हैं. नहीं, इन्होंने क्या बोला था, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफ द क्या है एंड आल्सो नेम एंड एक्सप्लेन द अदर मेथड्स. हाँ ठीक है, अब तू बोलो क्या बोल रहे हो. अदर मेथड्स में क्या क्या डाल दिया उन्होंने, दो ही लिखे हैं मैंने, बाकी सारे लिखे. हाँ तुम्हारे प्लस पॉइंट है. एक मिनट, जैसे तुम यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या, वन मार्क आइडेंटिफाई करने का, हाफ मार्क एक्सप्लेन करने का, छः नंबर का है. अच्छा एक बात समझ लो, नहीं सुनो सुनो, एक चीज़ तो क्लियर समझ लो पहले कि एक पॉइंट जितने बड़े पॉइंट हैं उसके हिसाब से एक पॉइंट दो नंबर से कम का तो हो ही नहीं सकता, ये तो मान रहे हो. पहला पॉइंट जो तुमने लिखा है इसी के दो नंबर तो कम से कम होने होने हैं, ठीक है. दो नंबर इसके हो गए, छः नंबर में कितने बचे, चार, तो चार के हिसाब से कितने पॉइंट चल जाएंगे, दो और. तुम्हें एक्स्ट्रा करना है तीन कर दो. नहीं एक रुको ना, पहला वाला तो क्लियर है तुम्हें पहला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट पढ़ो. दूसरा पॉइंट क्या दिया, आल्सो नेम, आल्सो नेम एंड एक्सप्लेन द अदर मेथड्स ऑफ रोटेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट. क्या बात है, क्या बात है, कहां का दिमाग चल रहा होता है. हां भाई, तो ये उसने बोला है, सही बात बोली है उसने, क्या कि पब्लिक से जो हमें लेकर आना है. तो पहला पॉइंट क्या था, ऑफर टू प्रोस्पेक्टस पब्लिक से आता है. दूसरा क्या था, ई आई पी ओ, ये भी पब्लिक से आता है, मतलब बाकी और कौन कौन से थे वो पब्लिक से नहीं आता. राइट इशू तो सेम लोगों को दिया जा रहा होता है. नहीं, वो किसी पर्टिकुलर बंदे को दिया जाता है. क्या बात है ये. हाँ जी नेक्स्ट, चुप बत्तीस. हाँ एक मिनट, वो तो प्रियंका मैम कह रही कि सर वो एक लड़का है ना कौन सा जो हर समय इसके चेहरे पे मतलब हंसता रहता है जो. मैंने बोला वो कुशाग्री होगा, वो तो क्या वो देख रहे हैं शक्ल ही उसकी शैतान की लगती है. बोलो आइडेंटिफाई. नहीं एक मिनट, अभी इस क्वेश्चन वैसे ज्यादातर लोगों का ये भी सही है ना. एक पढ़ो दोबारा क्वेश्चन, दोबारा बोल दो एक बार. Identify the steps of the trading procedure for buying and selling of securities which have been discussed above.
रुक जाओ बदतमीज, एक मिनट रुको, पहले दोबारा बोलो। ठीक है, ये बोल रहे हो ऊपर ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसके आगे के नेक्स्ट फोर। तो तुम्हें याद होगा ट्रेडिंग प्रोसीजर हमने पढ़ा था, क्या था उसके अंदर भाई, पहले ब्रोकर के पास जाओ, फिर उसके बाद एग्रीमेंट करो, फिर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा, उसके आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाओगे। तो ऐसे में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपन डीमैट अकाउंट, उसके आगे फिर प्लेसिंग, मैचिंग, मैचिंग के बाद एग्जीक्यूट होएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, और इस बार थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू।